मेरे पास तो सिर्फ तुम हो पारस मणि, जिसे छू के लोहा भी सोना बन जाता है। अपनी कीमत बढ़ा रही हो या मेरी? रिश्तों की दुनिया में तवायफ की कीमत ही क्या होती है? कुछ भी नहीं। और वैसे भी आपने तो हमें छूने का अधिकार ही नहीं दिया। इश्क करती हो मुझसे? यही पूछ लिया होता। सांसें लेती हो चंद्रमुखी? सांसें लेती हो चंद्रमुखी? क्या पाओगी? ना मेरे पास घर है ना दिल। सिर्फ पाने का नाम ही तो प्यार नहीं है ना देव बाबू। प्यार का कारोबार तो बहुत बार किया है, मगर प्यार सिर्फ एक बार। चंद्रमुखी, इस भरे पैमाने में और शराब डालोगी तो क्या होगा? छलक कर जमीन पर आ गिरेगी। इसी तरह पारों के नाम से भरा पड़ा है यह पैमाना देवदास भी, और भरो की तो छलक जाएगा, खुद तो गिरेगा तुम्हें भी गिरा देगा। पर जमीन पर गिरी शराब को देखकर लोग तो यही कहेंगे ना कि पैमाने को छू करने के लिए। देवदास कहाँ है? उन्हें बुलाइए, हम उनसे मिलना चाहते हैं। वो सो रहे हैं, इस वक्त नहीं मिल सकते। अरे कैसे नहीं मिल सकते? हम उन्हें लेने आए हैं, इस नरक में नहीं रहने देंगे हम उन्हें। धर्मदा, छोटे मालिक, किसने बताया यहाँ का पता तुम्हें? चुनी बाबू ने। तुम्हारे बाबूजी? बाबूजी तो मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते, फिर क्यों भेजा तुम्हें? और वैसे भी मुझे यूं देखेंगे तो बहुत दुख होगा उनको। सर, नारायण मुखर्जी का सर और भी छुप जाए। सर जाओ जाओ धर्मदास जाओ। अरे मेरी बात तो सुनो देवा। तुम्हारे बाबूजी इस दुनिया में अब नहीं रहे। बहुत बुरा हुआ, एकदम अचानक ही नहीं, कैसे ऐसे ऐसे? भले आदमी थे, बार बार नहीं आते ऐसे आदमी ना। ही वॉज अ गुड मैन। सॉरी, लेकिन बाबूजी को एक खिताब, एक खिताब और मिल गया नहीं। स्वर्गस्थ सर नारायण मुखर्जी, बहुत प्यार था हम, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ भाई, ये बहुत ही। स्वर्गस्थ सर मुखर्जी बहुत भले आदमी थे। एक बात बताओ, देवदास क्या रोज पीता है? ये पूछे कब नहीं पीता, सुबह शराब रात शराब, शराब खाता है शराब पीता है। तो तुम उसे रोकते क्यों नहीं धर्मदास? अरे घर में रहे तब ना, मुश्किली से हवेली में आता है। अरे सारा दिन शहर में पड़ा रहता है वो चितपुर की चंद्रमुखी के कोठे पर।
ऊपर वाला कमरा मानो देवा का घर बन गया हो।